सुनेगा। रंजीत भैया, आज हो गई मेरी ओढ़ी चुनरिया, पानी में
ये बाबा बैठ जा ले लो। क्या बात है मुकेश भाई, आज तुमने भी गूंज सलामत पाई। सुनेगा बैठ जाओ। सत सन विनय कुटिल सन प्रीति, यही हो रहा है, वही सब है। सुनेगा, जब कोई नाम आने तो उसको दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। राम जी करे देता न सागर मार्ग पानी में, आज मैं देखूं है कितने पानी में, पानी गुजर गया सर ऊपर से ताना सर कर से तो लागी प्रभु के सर से लागी पानी में आ। इसलिए अभी बाण छोड़ा नहीं है, और क्या, केवल निशाना लगाया है बस। बस संधान्यो प्रभु विसिक कराला, उठी उदरी उर अंतर ज्वाला, जरत जंतु जल निधि तब जाने, तो लागी पानी में आ प्रभु के सर से को भी संभव कर देते हैं। हनुमान जी का भगवान होना प्रमाण है, क्योंकि वो सोने में भी आग लगा देते हैं। जब दास ने लंका में आग लगा दी, तो फिर प्रभु तो पानी में आग लगा ही देंगे, और क्या। अरे रंगवरम, जब हनुमान जी से पूछा कि तुम लंका जलाया है, तो कुटिया गाय छोड़ आए, और क्या, क्यों छोड़ दी। विभीषण की कुटिया भी जलाए आते, लोग क्यों कहते कि हनुमान जी ने भेद कर दिया। हनुमान जी बोले देखो हमारे यहाँ नियम है। क्या नियम है। कि जब भी कोई भंडारा होता है तो सबके यहाँ से चंदा आता है, ठीक। उसके बाद भंडारे के बाद जो प्रसाद बचता है तो जिस जिसने चंदा दिया सो उसके यहाँ भिजवा देते हैं। तो बोले ये प्रसाद भंडारा और कुटिया ना जलाने से क्या मतलब है। हनुमान जी बोले हैं है। क्या बोले जा तू धान सुन रावण वचना, लागे रचय मूड सोई रचना, रहा ना नगर बसर घर तेला, कोई घी ले आए तेल ले आए कपड़ा ले आए, हमने कहा सब ले आओ हमें सब स्वीकार है। और जब सबने चंदा दिया तो हमने कहा जब चंदा दिया तो सबके यहाँ प्रसाद दिया है। सब बोले उलट पलट सब लंका जा रहे। तो बोले विभीषण की कुटिया काय छोड़ आए। बोले महाराज विभीषण ने चंदा ही नहीं दिया था, तो लागी पानी में आ के प्रभु के सर से लागी।
प्रभु के सर से लागी पानी में आ, लागी पानी में आगे प्रभु के सर से लागी पानी में आगे प्रभु के सर से लागी पानी में आ धन्यवाद है।